है मीरा भाईंदर के दुबा चंद मैदान में, जहां पर महीनों से विवादित वहां पर मैराथन आज यहां पे समापन हुआ है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये पूरा आयोजन हुआ है, ये जो आयोजन हुआ है इसके बाद भी ये चर्चे में बना रहेगा या नहीं, क्या है लोगों का कहना, आइए जानते हैं। ये जो मैराथन हुआ आयोजन के बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा था, ज़्यादातर चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए। जैसे कि मेरे भाई को ये मिला, ये ओरिजिनल दिख रहा है, ये जोरा ये मुझे नहीं जम रहा है, मैंने भी इनके इतना ही पैसा दिया बनते हैं, तो ये थोड़ा बारिश टाइप का मुझे लग रहा है। और जो मैनेजमेंट था, पब्लिक ज़्यादा है तो मैं भी मैनेज नहीं कर पा रहा है, लेकिन ऐसा अंदर पता नहीं कितने ढेर सारे लोग खड़े हुए हैं, तो थोड़ा इसका अगर 10,000 रजिस्ट्रेशन हुआ था तो उस हिसाब से मैनेज करना चाहिए था, ताकि एक घंटे में सब लोग तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है मेडल सर्टिफिकेट और पैसे ये सब कंप्लीट कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि ढेर सारा टाइम लेके जाए। काफी स्टार्टिंग में तो ये दिया गया, स्टार्टिंग में ये दिया गया, उसके बाद से काफी लोगों को टू कॉपी करके दिया गया। आपको ये दो सर्टिफिकेट अलग अलग सर्टिफिकेट क्यों है? आप इससे खुश है? कितना किलोमीटर भाग गया आपको क्या मिला आज यहाँ पे? जब आप भागी तो आपको बोलते हैं फर्स्ट प्राइज आई है, कैसा है क्या? तो कैसा लगा आपको यहाँ पे जो मैनेजमेंट है ये सब कैसा? तो क्या क्या प्रॉब्लम आई इसके अलावा कुछ? आपका नाम? रिया। रिया कैसा लगा आपको ये जो मैराथन था? आप भी बोलो नीति, कैसा लगा आपको ये मैराथन? तो आप कुछ कहना चाहोगे कि जो मैंने जी यहाँ पे आपको भागे कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप मैराथन का कैसा लगा आपको? मैराथन भागने में तो मज़ा आया, बट ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट गुड, ये आपके मतलब बहुत सारा मैराथन हमने भागा है, बट यहाँ पे काफ़ी चरमचर मचा हुआ था, काफ़ी बच्चे भी गिर रहे थे, तो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा और बेटर हो सकता था मेडल्स के लिए या ऐसे। मतलब जैसे वॉलंटियर्स मुझे कम लगे, वॉलंटियर्स शायद से ज़्यादा होने चाहिए थे, क्यों होना चाहिए था, काउंटर्स ज़्यादा होने चाहिए थे जिससे कि आप, लेकिन छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे दिया गया जस्ट वन रनर, तो पूरा भाग के आप आते हो तो देन यू डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे जाके इतने चिचर पे चर पे वुमेंस के लिए साइड से अलग से क्यों होना चाहिए था, सब गर्दी गर्दी हो रहा था। आप कहाँ चाहिए विराट से? आपको कैसा लगे पूरा मैनेजमेंट का या आयोजन का कैसा लगा? मैं तो बहुत उदास हूँ, आप तो कहते हैं कि हम लोग मजे के लिए आते नदी विराट सब, जैसे विराट ने मैराथन ने मुंबई में किया है, यहाँ का मैनेजमेंट में भी नहीं हूँ, बहुत तकलीफ हुई है, बहुत मारामारी हुई और कभी गाड़ी का खर्चा नहीं हुआ है, गाड़ी दिया है बहुत सौ रुपये आ रहे थे, तो ये मैनेजमेंट छोड़ के तो बाकी सब मजा आ रहा है। कितने किलोमीटर के लिए दौड़े हम लोग? 5 सर। आप नीरज देसाई। सर आज आप महापौर मैराथन में भागिए, क्या कहेंगे इस पूरे मैराथन? वैसे रनिंग का रूट अच्छा था, दौड़ने में भी अच्छा रहा, लेकिन खाली स्टार्टिंग में थोड़ा बैगेज में प्रॉब्लम था, बाद में वो लोग ने सॉर्ट आउट कर दिया, तो ओवरऑल अभी तक तो सही और अच्छा रहेगा। दौड़ने को जोश को लेकर क्या बोलेंगे इस तरह के मैराथन? इस बार क्या पता क्यों, लेकिन सब अच्छे दौड़ने वाले यहाँ पे थे, ज़्यादा से ज़्यादा पोडियम फिनिशर इनाम मारने वाले सभी दौड़ने वाले आज इधर ये मैराथन में है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छी कंपटीशन थी, दौड़ने में भी मजा आया। सर आपकी एज क्या है? 51 ईयर्स। 51 ईयर्स में भी आपने पूरा जोश दिखाया है,
तो जवानों को क्या कहना चाहेंगे? अभी रनिंग चालू किए मुझे सिर्फ 2 साल हुए, 2 साल पहले मैं कभी 100 मीटर भी नहीं दौड़ा, पर 2 साल के अंदर मैंने इतना डेवलप किया है। तो जवान आदमी तो बहुत कुछ कर सकता है, उसके पास तो बहुत टाइम है। मैंने सिर्फ 2 साल के अंदर ऐसी पोजीशन ला दी कि फर्स्ट सेकंड आता हूँ मैं। तो जवान आदमी तो हर बार फर्स्ट आ सके ऐसी पोजीशन ला सकता है, तो उसको तो दौड़ना ही चाहिए, और सेहत के लिए भी दौड़ना बहुत सही है। How's your experience here? And you got the first this. What was your experience? I have been training in my country. That's where I got the experience to run for half marathon. Oh, where are you from? Kenya. You come from Kenya? Yeah. And you got the first prize. How are you are feeling now? I am so happy. What will you say about the event? How was the event, overall event? The event was very good. It was well organized. I like it. Pejit Rahul Sharma. Your name? Hannah. Rahul Sharma is the director. Hannah. Of Mira Bhaikar Layers Management. मेरा नाम है विशाल कमरे। आज मेरा बैंडर के लिए आज मैं 145 आज का ये मेरा इवेंट हो गया है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा बैंडर में ऐसा ही इवेंट होना चाहिए हर साल, और अगले साल भी मैं जरूर आऊँगा। तो उसके आने से पहले मेरा 200 पूरा हो जाएगा मेरे इधर, ये मेरा चैलेंज है। और मैं मेरा बैंडर में 200 पूरा करने का मैं प्रॉमिस किया आप लोग को, सबको मेरे साथ दौड़ना है। और मेरा एज है 53, और मुझे टारगेट करना है कि 150 में मैराथन करना है। और आपका आशीर्वाद होगा तो मेरा 250 से भी ज़्यादा मैराथन नहीं करना है। आप लोग का मेरा बैंडर वाले लोग का मेरा मुझे सबका आशीर्वाद चाहिए। मेरा बैंडर के लिए मैं खास करके आपके लिए मैं पेंटिंग करके आया हूँ। ये जो ऊपर लिखा है उनका उन्होंने नंबर 1066 बहुत सारे दूर दूर से लोग आए हैं और
सर बताइए मैराथन संपन्न हुआ पूरी तरह से, क्या कहेंगे पूरा ओवरऑल? बहुत ही अच्छा वातावरण रहा आज, और जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा खूबसूरत हुआ। और सबसे बड़ी बात देखने मिली कि सुबह 5 बजे जब मैं घर से निकला तो लोग सड़कों पे थे, ऐसा लग रहा था क्या वातावरण है शहर के अंदर, कितना उत्साह कितना जोश इस मैराथन में पार्टिसिपेशन करने वालों में थे। बहुत एक अलग उमंग थी, एक उमंग उत्साह था। आज आशीष शेलार जी आए, उनके हाथों हमने फ्लैगिंग करा के रेस की शुरुआत की, और हमारे गोपाल शेट्टी जी जो सांसद है वो आए थे, उनके हाथों प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। हमारे फिल्म जगत की कलाकारा दीपिका सिंह जी भी थी, और सभी नगर सेवक, सभी हमारे पदाधिकारी, हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, सभी का दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। मीरा भाईंदर में मैराथन इसके पहले भी हुई, लेकिन जो आज हुई वो ऐतिहासिक हुई। वो उन लोगों को तो प्रेरणा देती है जो लोग भाग रहे, लेकिन हमें भी प्रेरणा दी कि इससे अच्छा हम कर सकते हैं, इससे बड़े पैमाने पे हम कर सकते हैं। आज करीबन 10,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और जो लोग इसका विरोध करते थे वो भी आज अपने आप को कहीं ना कहीं एक ऐसा अंदर अंदर कुछ गलत महसूस कर रहे होंगे कि हमने क्यों विरोध किया ऐसे अच्छे कार्यक्रमों का। और हमारा देश जो है खेल कूद में आगे बढ़ रहा है, ये भी उसका एक हिस्सा था। तो मैं फिर से आज जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन सबको धन्यवाद करता हूँ, और जो विनर्स हुए उनको ढेर सारी बधाई शुभकामना देता हूँ, और सभी का आयोजकों का आभार भी व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। आज के इस मैराथन में सर्वप्रथम आए हुए मंत्री महोदय का मैं स्वागत करती हूं और धन्यवाद भी करती हूं। इस मैराथन में 8,500 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हुए हैं, और हमने ये मैराथन अलग अलग उद्देश्य के साथ आयोजित किया है। स्वच्छता अभियान, हमारे शहर में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए हम, हमारा शहर आगे बढ़े, स्वच्छता की ओर आगे बढ़े, पानी बचाए, और ऐसे कई उद्देश्यों के साथ हमने आज मैराथन की शुरुआत की है। तो मुझे लगता है कि आज मैराथन इन सभी लोगों ने पार्टिसिपेंट किया, और आज यहाँ पे ये सभी उद्देश्य के साथ जो उन्होंने दौड़ लगाई है उनका मैं सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर काय सांगाल आज महापौर मैराथन या ठिकाणी संपन्न? मी आपल्या सर्व चॅनलच्या माध्यमातून मीरा भाईंदर वासियांचे आणि सर्व धावपटू ज्यांनी ह्या महापौर मैराथन मीरा भाईंदर महानगरपालिका यांच्यामध्ये भाग घेतला त्यांचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो, धन्यवाद व्यक्त करतो। सकाळी 5 वाजल्यापासून ते आजपर्यंत सगळ्या सेक्टरमधील लोकांनी खूप चांगल्या पद्धतीने सहकार्य केला, विशेषतः प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पोलीस प्रशासन, महापालिका प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था, महापालिकेचे सर्व सदस्य, सर्व पक्षांचे नेते आणि त्यांचे सर्व पदाधिकारी, आणि ह्या शहरामध्ये एक चांगलं खेळाचं वातावरण तयार करण्याचा ह्याचा मानस होता। लोकांमध्ये भाईचारा, लोकांमध्ये एकमेकाबद्दलचा स्लोखा, आणि एक शहर म्हणजे नुसतं काँक्रीट विकास असं न होता लोकांचे मन सुदृढ होणे, एकमेकामध्ये एकमेकाबद्दल आदर निर्माण होणे, एक सांस्कृतिक आणि खेळाडू वैभव या शहराला तयार व्हावा हाच आमचा याच्या मागचा मनोदय आहे। मी जिथे जिथे यापूर्वी काम केलं, उदाहरणार्थ ठाणे महापालिका असेल, उल्हासनगर महापालिका असेल, पनवेल असेल, किंवा मराठवाड्यामध्ये जालना आहे, हिंगोली आहे, परळी, देगलूर, असं जिल्हा स्तरावर आम्ही प्रत्येक ठिकाणी फार प्रामाणिकपणे त्या शहरांच्या युवकांना सामान करून घेऊन एक चांगलं काहीतरी करण्याचा माझा दृष्टिकोन असतो नेहमीच। त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे, आणि आपण बघितलेलं आहे की कुठलाही याचा जास्त खर्च न होता कमीत कमी खर्चामध्ये आणि काही लोकांच्या सहभागातून
हा मॅरेथॉन या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे, याचा सर्व श्रेय मी मीरा भाईंदर वासियांना देतो। आणि याच्यामध्ये काही छोटे मोठ्या उणीवा आपल्याला दिसून आले असतील तर ह्याच्या पुढव्या काळामध्ये याच्यामध्ये सुधारणा केली जाईल आणि अजून याच्यामध्ये खेळाडूवरती वाढवली जाईल आणि याच्यामध्ये सगळ्यांना इन्वॉल्व केला जाईल। एक माणसा माणसामध्ये प्रेम वाढावा हा त्याचा उद्देश आहे। तुमचा जर एखाद्या धावपटूचं जर मेसेज बघितलात, आज 60 वर्षांची महिला तुम्ही बघितली, त्यांनी तो ट्रॅक पूर्ण केलेला आहे। पुरुष बघितलात 60 वर्षाचे, नॅशनल इंटरनॅशनलहून या ठिकाणी प्लेयर आलेले आहेत, म्हणजेच ह्याच्यातला जे श्लोक आहे आपल्याला दिसून आलेला आहे। आणि कुठलंही रन कुठलंही धाव हे प्रत्येकाला स्फूर्ती देते आणि आपल्या कुटुंबाला स्फूर्ती देते, साहजिकच आपल्या परिसराला स्फूर्ती देते आणि या माध्यमातून शहराचं नाव, या खेळाडूंचं नाव आणि तसेच एक चांगला उपक्रम, वेगवेगळे संदेश ह्या माध्यमातून काम होऊ शकते, हा माझी धारणा आहे। मी सगळ्यांचे या ठिकाणी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो, विशेषतः पदाधिकारी किशोर पाटील, आमचे संजय दोंदे, पोलीस प्रशासनानंतर याच्यामध्ये आम्हाला खूप मोठं सहकार्य केलेलं आहेत, SP साहेब राठोड साहेब, ॲडिशनल SP आमचे संजय पाटील साहेब, उप अधीक्षक श्री भोसले आणि वळवी आणि त्याचे ट्रॉफिकचे PI पवार, ह्या सगळ्यांनी सहकार्य केलेलं आहे। मी तर असं म्हणेल की कुणाचं नाव अनावदानानं राहून गेलं तर ते मला मनाला दुःख वाटेल। सगळ्यांचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि पुढील अशाच वेगवेगळ्या कार्यक्रमाला आपल्याकडून अपेक्षा व्यक्त करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।